लगातार दहेज मामलों में हो रहे इजाफे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दहेज प्रथा विरोधी कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें दहेज के मामलों में सोच विचार करने की जरूरत है। लगातार बढ़ रहे दहेज मामलों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि दहेज प्रथा विरोधी कानून का मिसयूज हो रहा है। कोर्ट ने पुलिस को ये हिदायत भी दी है कि दहेज उत्पीड़न के केस में आरोपी गिरफ्तारी सिर्फ जरूरी होने पर ही की जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन किन्हीं मामलों में 7 साल तक की सजा हो सकती है, उनमें गिरफ्तारी सिर्फ इस कयास के आधार पर नहीं की जा सकती कि आरोपी ने वो अपराध किया होगा। गिरफ्तारी तभी की जाए जब इस बात के पर्याप्त सबूत हो कि आरोपी के आजाद रहने से मामले की जांच प्रभावित हो सकती है, वो कोई और क्राइम कर सकता है या फरार हो सकता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना के मामले में बड़ी तादाद में की जाने वाली गिरफ्तारी पर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले में गिरफ्तारी के वक्त पुलिस के लिए निजी आजादी और सामाजिक व्यवस्था के बीच बैलेंस रखना जरूरी है। अदालत ने कहा कि दहेज प्रताड़ना से जुड़ा मामला गैर जमानती है, इसलिए लोग इसे हथियार बना लेते हैं। दहेज प्रताड़ना के ज्यादातर मामले में आरोपी बरी होते हैं और सजा दर सिर्फ 15% है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाल के दिनों में वैवाहिक विवाद में इजाफा हुआ है, शादी जैसी संस्था प्रभावित हो रही है। दहेज प्रताड़ना कानून इसलिए बनाया गया कि महिलाओं को प्रताड़ना से बचाया जा सके, यानी कि कवच उनको दिया गया, लेकिन कई बार लोग इसे कवच को हथियार बना लेते हैं। कई मामलों में पति ने बिस्तर पकड़ चुके दादा दादी और विदेश में रहने वाली बहन तक को निशाना बनाया। बहरहाल ऐसे में ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस विचार के बाद दहेज विरोधी कानून का गलत इस्तेमाल पर कितनी लगाम लग पाती है। रिपोर्ट, जनता टीवी।